नमस्कार, मैं तरला दलाल बोल रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कर्ड्स। तो इसके चाहिए खाली हमको दूध और थोड़ा सा दही। पर बनाना कैसे है वो सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं कैसे बनाना। पहले पुराने ज़माने में क्या करते थे, दही जमाने के लिए रात को दूध पे थोड़ा दही डाल के रख देते थे, और वो शायद कभी ज़्यादा टाइम रहेगा तो इकट्ठा हो जाता है। अभी क्या करते हैं, अपने को 4 घंटे से पहले खाने का होगा तो दही जमा देते हैं। तो क्या मिलता है कि अपने को एकदम ताज़ा जस्ट बना हुआ दही मिलता है। उससे क्या होता है, एसिडिटी वाले लोगों को भी और जिसको खट्टी चीज़ नहीं खा सब लोग खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दही बनता है। पर ये चीज़ बहुत सीखने लायक है कैसे बनाना। ये ठंडा दूध है, पहले उसको हम गर्म करेंगे। ये गर्म करने की सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखनी है कि गर्म कैसे करेंगे। एक तो हल्लाते चाहिए नंबर वन, और ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। देखिए अभी ठंडा है पूरा, अभी इसको हम ले चलेंगे ल्यूक वार्म स्टेट पर। कितना गुनगुना, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुनगुना, तो गुनगुना स्टेज पर हम लोग जाएँ। ज़्यादा गर्म होगा ना आप दही ज़्यादा डालेंगे, आपको जल्दी भी होगा तो दही का पानी बाहर निकल आएगा, दही जमेगा नहीं। ये चीज़ बहुत याद रखना है कि गुनगुना चाहिए और ज़्यादा गर्म नहीं चलेगा दही को। तरह तरह के बाज़ार पे दही बेचते हैं, लो फैट, हाई फैट। जैसे कलकत्ता वाले तो मिष्टी दही, गुजरातियों में भी केसरी दही, तरह तरह का दही मिलता है। दही तो चाहिए ही, अपने को कढ़ी के लिए चाहिए, अपने को श्रीखंड के लिए चाहिए, लस्सी के लिए चाहिए, और ऐसे ही चावल के साथ एक खाने की बहुत मज़ा आती है। नो शुगर नथिंग, एंड आप लो फैट मिल्क से भी बना सकते हैं। ये देखिए हाँ बन गए, स्विच ऑन। 8 बजे दूध जमाएंगे तो 12:30 बजे, 12 बजे, 12:30 ज़्यादा ज़्यादा आपको बढ़िया ताज़ा दही खाने को मिले। समझ गए ना। अभी मैं दही तैयार कैसे करना मैं आपको सिखा रही हूँ। थोड़ा सा दही लेने का, अभी हम दही को अच्छी तरह फैलाएं। देखिए आप जब अंगुली रखते हैं अंदर आपको गर्म नहीं लगना चाहिए। बस अपना दूध तैयार हो गया। ये देखिए एक बात मैं आपको समझाती हूँ, गर्मी के दिन और ठंडे के दिन में बहुत ही फर्क रहता है दही बनाना। गर्मी के दिन में कम और जाड़ों के दिन में ज़्यादा, और ठंडी होगी ज़्यादा तो जिसमें आप बनाओगे ना उसके ऊपर ढक्कन डाल के टीको से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, बाहर की ठंडी हवा उसको नहीं लगेगी। और आप उसे कहाँ रखोगे, बंद कबाट, तो आपका दही बढ़िया गारंटी के साथ आपको मिलेगा। तो अभी हम दूध को बोल में डालेंगे। देख लिया ना, तो उसको अच्छी तरह अभी मैं, आप जरा जल्दी में हो गए देरी हो गई तब आधा स्पून ज़्यादा भी डाल सकते हो दही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 4 घंटे के बाद खा लेना चाहिए, नहीं तो वो खट्टा हो जाएगा। सो उसे अच्छी तरह ढक के कबाट के अंदर रख दीजिए, इसको हिलाना नहीं। बहुत से लोग माइक्रोवेव में भी रख देते हैं ढक के, हो जाता है दही। अभी 4 घंटे हो गए, लेट्स चेक कैसा बना है दही। देखो कितना गाढ़ा है, इतना भी पानी नहीं है। ये क्यों, ये फुल फैट से बना है। आप लो फैट से बनाएंगे थोड़ा सा पानी निकलेगा, बहुत थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ इक्वली टेस्टी एंड लवली। दिस इज़ आवर फुल फैट कर्ड्स। बहुत बढ़िया दही बना है, आप बनाइए और हमें लिखिए कैसे बना। हाँ हमेशा देना ठंडा दही, क्या ठंडा दही, तो इसको फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा दीजिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। If you enjoy our recipes, click like. To see more of my recipes, click here. Please share your comments. I would love to hear them. I'm waiting for them.